बाद में कर देना सर्कुलर। हाँ पूछ लो पूछ लो। दिखेगा नहीं लोगों को। हाँ अच्छा हाँ किनारे हट। नमस्कार। मुझे याद है कि 2014 में चुनाव के वक्त मोदी जी अक्सर भाषण देते थे कि मुझे आपने कांग्रेस पार्टी को 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दो तो मैं देश में बदलाव ले आऊँगा और जो काम कांग्रेस पार्टी 60 साल नहीं करवाई वो मैं 60 महीने में करके दिखाऊँगा। आपको भी याद है, सारे देश को याद है कि ये रोज़ भाषण होता था। आप 60 माह तो बीत गए, 60 महीने तो बीत गए। मोदी जी ने क्या किया क्या नहीं किया ये सारी जनता जानती है। अच्छे दिन की तो बात आजकल करते नहीं है मोदी जी, ना वो काले धन की अरबों करोड़ों रुपया जो बाहर था जो हिंदुस्तान में वापस लाना था ताकि 15 लाख हर अकाउंट में जाए उसकी भी बात नहीं करते। सबका साथ सबका विकास आपने देख लिया, अमित शाह का साथ और मोदी का विकास ये भी हमने देख लिया। लेकिन जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पिछली बार जब विपक्षी दल इकट्ठा हुए थे तो हमने कुछ झलकियां आपको दी थी, आज हम उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कुछ ऐसे चीज़ें आपको दिखाएंगे जो आपको चुकन्ना कर देंगी। उससे साफ जाहिर होगा कि किस तरह से कुछ लोगों ने इस देश को लूटा। गरीब की जेब में छापा डाला, उसका जो धन वो कमाता था, थोड़ा बहुत पैसा कमाता था, उसको ठंडे बस्ते में रख दिया ताकि वो खर्च न कर पाए और रिजर्व बैंक के द्वारा एक ऐसी मुहिम चलाई हिंदुस्तान में जिसमें कई लोग शामिल थे। उसमें RANW के लोग भी शामिल थे, उसका नाम RANW का जो व्यक्ति इसमें शामिल था जो इस टेप में आप देखोगे उसका नाम है राहुल रथरेकर, RATHARECAR। उसका कैबिनेट सेक्रेटरी का जो आइडेंटिटी कार्ड है वो भी आपको इसमें दिखेगा। इसमें शामिल बैंक भी हैं और एक बैंक मैनेजर, इंडसइंड बैंक का मैनेजर सारे मुंबई का, उसका नाम है संजय शाने CHANNE, वो भी शामिल है। और जो घटनाएं हम आपको दिखाएंगे वो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के गोडाउन में भी हैं।
तो कहने का मतलब है कि जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में अगर कोई सबसे बड़ा स्कैम हुआ है तो वो नोटबंदी का है। मिस्टर मोदी स्टार्टेड हिज टेन्योर बाय फूलिंग अस एंड ही इज एंडिंग हिज 5-year टेन्योर बाय ट्रॉमेटाइजिंग अस। He traumatized the people of this country. He traumatized the poor of this country. He is traumatizing and he has traumatized journalists, his political opponents. And he has used agencies to target people who are opposed to him. और ये बड़े दुख की बात है कि हमारे लोकतंत्र में जो एजेंसीज हैं जिनको जांच करनी चाहिए वो विपक्षी दलों को थी जांच करेंगे, लेकिन जहां इनके खुद के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं और केंद्रीय मंत्री बैठे हुए हैं उनकी कोई जांच नहीं होगी। ऐसा लगता है कि जो सारी एजेंसीज हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो एनआईए हो, ये इनके कब्जे में है। जब एजेंसीज और सरकार एक ही मंच पे आ जाएं, तो लोकतंत्र कभी बहाल नहीं हो सकता। आज वो स्थिति आ गई है और लोकतंत्र को बचाने का काम अब जनता का है और कुछ ओन वो रिपोर्टरों का है जो हमारी बात जनता तक पहुंचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो शुरू करता हूं, आप उसको देखिए। जहां पॉज होगा तो मैं कुछ पढ़ दूंगा, समझा दूंगा आपको, मैं किनारे हो जाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से वो वीडियो दिखे। This is Rahul Srirang Rathrekar. He is a field assistant in the cabinet secretariat. This is his number. Okay? So, Mr. and Mrs. Rahul Rathrekar over dinner in a suite in Trident gives his detailed RANW background. How the corrupt system doesn't allow anyone to remain a true patriot for very long. He told that 3 series of 1 lakh crore each have been printed in duplicate. He explains in detail how the duplicate currency notes which were printed abroad were brought to India in Air Force transport planes at Hindon Air Force Base. Rahul Rathrekar also explains the detailed logistics of currency exchange operation and how it is being controlled from the very top. Twice names Mr. Amit Shah. He tells in detail how the exchange transaction percentages have increased from 15% initially to 35% to 40%. Also that a fixed percentage has to be remitted regularly up the chain, which is headed at the top by Amit Shah. He said that there is a separate department in PMO overseeing this work. This department is headed by one Mr. Nipun Sharan. I think it's a code name. We've not been able to find that. He explains how 26 people have been recruited from various departments specifically to oversee the coordinate and coordinate with RBI for currency exchange work only. They have been posted in various RBI offices to oversee, control and report currency transactions to their head in PMO Amit Shah. Please go up.
He also confirms that while their transactions are going on, no local police crime branch, vigilance department interferes. In case any department official interferes, a call from bosses in Delhi will result in the officials leaving the place. Rahul brags that he has been one of the best performing field supervisors for currency exchange. He says he has already completed more than 20,000 crores worth of private transactions from CBD Belapur, RBI in his short stint. Rahul Ratekar also explains how Reliance Jio database has been used and misused again and again to show repetitive currency exchange transactions in RBI. He states that anyone who tries to disclose this information or bring them out in the open will be finished off ruthlessly. Rahul also confirmed that the new currency with Urjit Patel's signatures was actually printed about 6 months earlier than November. They had started exchanging the currency of selected politicians and big business houses beforehand. Rahul also shares his experiences of working in RANW. Now, this particular part of the transaction is part of the full tape. The full tape is several hours. We can't show it to you here. So we'll give you the www.tnn.world. You can actually go and access that and see for yourself whatever is stated here. Because we wanted this to be short, so we have provided you with all the damaging clips that are from that particular tape. Okay? Now you can see. This is Rahul Ratrekar. He's come to Hotel Trident, Mumbai with his wife. This is happening in Hotel Trident. Now, this particular file is now the conversation that is here is going to be distributed to you, and the exact conversation is put in this brief so that you know what that conversation is. Okay? You can verify it from the tape. This is not an issue. The next episode is in IndusInd Fort Branch, where Karan the Jurno is meeting Sanjay Shane, manager of IndusInd Fort Branch, Mumbai, gives reference of their earlier meeting through Vishal and Oberoi. Okay, so that's the next tape. This is entering inside the bank. Then they go out and have coffee at Starbucks. Karan meets Sanjay Shane inside his own bank at Fort Mumbai. Karan confirms that his parties are now ready for the transaction and would like to finalize the deal. Sanjay Shane takes Karan to have coffee at Starbucks, where he introduces one Mr. Ganesh, a corporate representative, where he Karan explains that he is representing a group and that they have about 320 crores of old currency which they want to exchange immediately. See it. This is Shane, the face that you see.
ये साउंड नहीं ठीक आ रही। I'm sorry, the sound is not proper. What's the problem? Please do it. No, they tested it earlier. This one there was testing. I don't know why this has not happened. What's the problem? Huh? This is not working properly. No sound is coming. That's not right. Anyway, this is, you can access the website, you will get all this. This is traveling in a car towards MIDC Godown, Maharashtra Industrial Development Corporation Godown. Karan reporter and Sanjay and Ganesh go to the godown of Rabel MIDC. Godown is fully secured by sufficient and reliable security people outside who ask for all mobile phones. They tell all you please place all the mobile phones. There are personally there he personally shows them the boxes containing 25 crores in old currency. After being satisfied, Sanjay leaves while Ganesh calls in his team to do the quality and quantity check. After satisfaction, they close and seal the boxes and call for the new currency material. A van comes with 7.5 crores packed in a medium-sized aluminium box. After opening the box, Karan reporter found that the currency notes of 2,000 rupees are fresh, crispy, brand new, and comment to which corporate boy replied that the notes are coming directly from RBI in Belapur. The old currency notes in the cardboard boxes are then loaded in the van and the corporate people leave. Karan confirms that he will soon make arrangement for the next transaction of 100 crores. Show that. Yes. You'll just see. Come here. Listen, give me all your mobile phones. This will open. Put your phones in a bag. Boss is going inside. Until he comes back, no one dare touch the phone. Anybody dares to touch their phone, I will throw them in the kalva, whatever. This is the godown. This is the loot that has taken place in our country. The loot that no television channel dares to show. The loot that is destroying this country. And then these people talk about corruption. We are dealing with corruption. Look at this. Look at these old currency notes in boxes. This is Shane. Sanjay Shane, IndusInd Bank. The transcript is with you here. You'll get it. You will see a van coming. Look at this trunk that is taken out. Goes inside. And look at the currency notes. This is MIDC Godown.
And then people ask us, authenticate this. We've given you the names. We have given the names of the bank. We've given the name of the individual. What else do you want? ED will not act. CBI will not act. Income tax will not act. Then Sanjay Chane meets the reporter in a hotel where they discuss various people. Ajit Doval, Jay Shah, Nitin Patel. Sanjay Chane shows that while meeting DCM, Deputy Chief Minister, that is Nitin Patel, shows the currency bundles and the recorded which are recorded in his mobile, which is visible in video. He mentioned that they have a huge factory warehouse type of place in Gujarat, 10 times bigger than his own. This is in Maharashtra, without any sign of CCTV. He admitted that he had taken 100 crores of cash from Jay Shah and Nitin Patel and then returned them through RTGS. Watch this. Now I have a direct. मैं काम को लिया गया था फिर वो दिखाने का क्या प्रॉब्लम है करना तो है हम वो लोग आ पर्टिकुलरली सर्टन थिंग्स हम श्राद्ध और नवरात्रों में ये काम नहीं होता आजकल नवरात्रे चल रहे हैं ना क्रिसमस तक हम 100 का काम करेंगे अब वो कहता है कि ये देख दिस इज 30 ये 31st अप्रैल 20th अगस्त 2018 12 जुलाई 2018 को हो रहा है ये अभी पिछले साल जय शाह और नितिन पटेल से कैश लिया और उनको एग्रीमेंट के द्वारा आरटीजीएस कर दिया ये सब आपको लिखित रूप में मिल जाएगा डायरेक्ट मीटिंग हो जाएगी उनके साथ इसमें मोबाइल में आपने देखा था वो कोट नोट है ना मोबाइल उसने खुद वीडियो दिखाया मोबाइल से तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूट हम कर देंगे वेबसाइट इज www.tnn.world उसमें कई घंटों का टेप है हमने तो कुछ स्लाइड आपको दिखाई है तो कहने का मतलब ये है कि पिछले 5 सालों में तभी आप देखते हो कि कैसे पानी के जैसे पैसा बहता है बाद में पानी के जैसे पैसा बहता है क्यों बहता है कैसे बहता है उसकी कुछ झलक आप देख सकते हो अगर कोई बैंकर सरकारी मुलाजिम सरकार के लोग ट्रेजरी के लोग मिलकर
और उसमें 15 से 40% एक्सचेंज का कमाएं, तो उसकी कमाई कितनी हो सकती है ये आप भी सोच सकते हो। What we are point of making is, this amounts to treason. And nothing can be more anti-national than this. And therefore, since the ED is so alacrity, with such alacrity, searches people, then with equal alacrity, they should catch hold of and arrest these people. And tell the people of this country what the truth is. But they will not do it. Remember last time in the joint opposition press conference, I showed you what was happening in Gujarat. And that was with reference to a gentleman who had gone to the office of the BJP, which is Kamalam, and came out and he showed you a wall of new currency notes. And he said that this is happening, we can give you that exchange even in Bombay. He says now there are 26 such operations throughout the country. He is just one field assistant. 22 plus 4, 22 men and 4 women. And this has to be shared. And this is not any party saying it. These are these people with their names and identities. Who can doubt it? Will this government arrest these people? Will the ED arrest these people? Will the CBI arrest these people? With all the people who are involved, will they be arrested? They will not. Because the ED protects those who loot the country. We have seen it in the past. They use diaries and consider them evidence when it comes to the opposition. And when it comes to Birla Sahara and other diaries or Yediyurappa, they say this is not authentic, this is not evidence. This is the sad part. Now it is for the people of this country to decide and determine for themselves, do they want to save democracy? Or should this kind of loot continue? That's the question before the people of India. Bahut bahut dhanyawad. Karnataka. I don't expect anything from this government. What do I expect from this government? Also, we have been crying horse before the election commission. You have a Namo channel, which is going on. We've gone to the election commission. What is this? There is no license. There is no broadcasting license. They say this is advertisement. So if it is advertisement, then it must be included in the expenditure of the Prime Minister because it is eulogizing the Prime Minister. But nobody will take action because nobody dare in this country to even speak out anymore. That's the sad part. And what all can we do? We can only bring this to you and hope that your proprietors will show it. And your television channels will show it, but you won't. You will get a telephone call. हाँ, मतलब कि telephone call आ जाएगा. हम तो चाहते हैं कि आपके channel के दिखाएं ये सब. लेकिन जो आपके proprietor हैं, वो कभी नहीं दिखाएंगे. उनको telephone आ जाएगा कि अब मत दिखाइए. पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था. उसमें authenticity की क्या बात है? आपको एक बंदा आपके सामने दिख रहा है, ये वीडियो है, ये कौन सा कोई, ये कोई नाटक तो नहीं चल रहा, ये नाटक लगता है आपको? तो
सवाल ही नहीं उठता। जुडिशियल इंटरवेंशन, जुडिशियरी इसमें क्या करेगी? तब तक तो चुनाव बीत जाएगा, तब तक तो चुनाव बीत जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे भैया आप, हम आपको ना देखिए, ये आपके, मुझे तो समझ नहीं आया इस सवाल का मकसद क्या है। हम आपको एक दृश्य दिखा रहे हैं, बंदा दिखा रहे हैं, नोट दिखा रहे हैं, होटल में एक्सचेंज हो रहा है वो दिखा रहे हैं, जो पिछली बार जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है ना। वो बंदा बीजेपी से जुड़ा हुआ है, वो खुद कह रहा है, वो नोट काउंट कर रहा है, मशीनों में काउंट कर रहा है, वो दिसंबर 31 के बाद की बात है। तो इसमें तुरंत FIR और अरेस्ट होना चाहिए था ना, वो बंदा कहीं लापता तो नहीं हो गया? अगर कोई जर्नलिस्ट ने बैठ के ये स्टिंग किया है तो जर्नलिस्ट खुद डरता है, उसका नाम पता चल जाएगा तो उसकी हालत क्या हुई, व्यापम में लोगों की हालत क्या हुई, जर्नलिस्ट की क्या हालत हुई, आपको आप जानते हो। तो वो खुद डरता है, अपनी जान से डरता है, तो वो अपना नाम नहीं बताएगा। लेकिन ये दृश्य, अगर हमने आप ये नाम आपको मालूम है, ये तो कोई फर्जी नहीं है, उसकी आइडेंटिटी मालूम है, कहाँ हो रहा है मालूम है, किस जगह किस होटल में हो रहा है वो मालूम है। इसमें सवाल ये पूछना कि साहब कांग्रेस पार्टी इसको ऑथेंटिकेट करते, ये तो बामायने सवाल हो गया ना, ये कौन सा सवाल हुआ? जी हाँ, नहीं देखिए प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सारी जनता जानती है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना। जो राजनीति हमारे शहीदों के नाम पे नहीं होनी चाहिए वो हो रही है, और इलेक्शन कमीशन की भी इसका कुछ नहीं कर रहा। दुख के तो ये बात है, वो जो भाषण दिया जा रहा था जहाँ शहीदों की तस्वीरें पीछे थी और प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, क्या किया इलेक्शन कमीशन ने? कुछ किया? फ्रंट पेज में तो कई न्यूज़पेपर में फोटो भी नहीं आई, चंद एक दो छोड़कर। आपने आपने सवाल पूछ लिया, आप नहीं, प्रूफ की बात नहीं, ये तुरंत ED को, हाँ हाँ, आपको मालूम है कि कोर्ट की कार्रवाई में वक्त लगता है, ठीक है ना, और वक्त की आपको मालूम है कमी है इस समय, चुनाव तो 11 तारीख को शुरू हो रहा है। नहीं देखिए, जो भी वीडियो सामने आपके आए हैं उनकी जांच होनी चाहिए, हम कौन सा कह रहे हैं मत करो, लेकिन इन वीडियो की क्यों नहीं जांच हो रही? जो गुजरात में हमने दिखाया था क्यों नहीं जांच हो रही? छापा पड़ा, पड़ रहा है ना, जो आप वीडियो की बात कर रहे हैं, छापा पड़ा, एक अकाउंटेंट को ले गया, उसकी उसकी बीवी को भी तंग किया गया, ठीक है ना। तो सारे विपक्ष के लीडर्स के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, तो यहाँ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? यहाँ ED क्यों नहीं आ रही? यहाँ छापा क्यों नहीं पड़ रहा? हम पूछते हैं आपके द्वारा, देश की देश से पूछते हैं क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये बिके हुए हैं, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। नहीं, वो तो खैर मैं ही नहीं कह रहा, देश के कई लेखकों ने ये बात, आज भी ब्यूरोक्रेट्स ने बात कही है, एक याचिका, एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि आप इलेक्शन कमीशन लग रहा है कि वो बायस्ड है, आम जनता भी ये बात कह रही है, क्योंकि जो निर्णय लेने चाहिए, अब हमने तो कई सालों से इलेक्शंस देख रहे हैं, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा, ये जो आज काम हो रहा है।
Yes. Now you are having a general elections. The entire opposition is being targeted by the Muslim, by big tanks along with the secretary. Yes, yes, yes. So in this context, are you going to be a brutal spectator? No. Exactly, exactly. The response, we've gone to the commission. We are coming before you. We are making these statements. What else? How else can we respond? We go to the agencies. We tell them, what are you doing? We have also said, there's nothing that we have to hide. You come. What else can anybody do? When a citizen is not protected, what can he do? That's the state. That shows the state of our country. कि आज देश किस हालात पे है में है वही आपको दिख रहा है कि हर शख्स डरा हुआ है. उसको मालूम नहीं कि कल क्या उसके साथ होगा. अगर वो पोस्ट डालेगा तो सिडिशन का केस हो जाएगा. धमकी दी जाएगी, टेलीफोन से धमकी दी जाएगी, मीडिया को कैप्चर किया जाएगा. अब इसका तो आप मुझसे पूछो कि वो तो मीडिया को अपना अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए ना. अब मीडिया स्टैंड नहीं स्पष्ट करेगा, कांग्रेस पार्टी तो मीडिया के लिए नहीं कर सकती ना. ले रहे हैं भैया, मीडियो में अभी हम चला रहे हैं, ये सब मीडिया में चलेगा. और वहां भी तो सरकार दखल अंदाजी करती है. ये जो चोरी देश की ट्रेजरी से हो रही है वो क्या है? वो हिस्सेदारी है क्या? भाजपा की हिस्सेदारी है देश की ट्रेजरी में के साथ? ये जो खुलेआम चोरी हो रही है, देखो ऐसा है कि उस समय ये जब हो रहा था तो चौकीदार क्या कर रहा था ये बताइए? सो रहा था चौकीदार? कुछ वो तो कहते हैं, वो जो 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 शख्स है राथेकर साहब, वो तो कहते हैं कि ये सब तो ऊपर जाता है. तो इसका मतलब चौकीदार, अगर वो बात सही कह रहा है, चौकीदार और चोर मिला हुआ है, अगर वो सही है तो वो कह रहा, मैं नहीं कह रहा. तो क्या करें बताइए? आपको मालूम है कि अगर घर में कहीं चोरी हो जाए तो पहला सवाल चौकीदार से पूछा जाता है कि चोरी हुई कैसे. तो देश की जनता और मीडिया तो उनसे सवाल नहीं पूछ रही कि चोरी कैसे हुई. कोई सवाल ही नहीं पूछता. और क्लीन चिट खुद अपने आप को दे दे, उसका मायना क्या है? जो कत्ल करता है 302 में पकड़ा जाता है, वो कहता है कि मैंने कत्ल किया? वो तो कहता है कि नहीं, मैंने कोई कत्ल नहीं किया. लेकिन कार्रवाई होती है, उसका ट्रायल होता है. अब देखते हैं 2019 के बाद क्या होगा. बहुत बहुत धन्यवाद. हाँ सर, यू कैन आस्क वन. सॉरी सॉरी, यस. विच स्कैम? Please, I want to know which scam is he talking about. All the scams have come to nothing. 2G scam, what has it come to? There's a court verdict now. In coal, what happened? Nothing has happened. In the Commonwealth Games, who has been convicted? But Birla Diaries, nobody has investigated. Yediyurappa, nobody has investigated. Gujarat State Petroleum Corporation, nobody has investigated. So if their scams are not investigated and our scams which have been investigated have led to nothing, then who is the real chore? The Prime Minister must answer. Yes. Yes, sir. I said that just now.
No, we don't have to take it to the president. The election commission knows that that's the feeling of the country. People of this country feel that way, yes. Last question. देशद्रोह का मतलब कौन सा भाग बेच लेंगे? हाँ, अरे उनसे पूछो प्रधानमंत्री जी से कि 2015 में त्रिपुरा में आफ्सपा किसने वापस लिया था, 2018 में मेघालय में आफ्सपा किसने वापस लिया था, और 2000 अभी 2 तारीख को त्रिपुरा नहीं अरुणाचल में कुछ इलाकों में आफ्सपा वापस लिया, तो प्रधानमंत्री झूठ पे तुले हुए हैं। झूठ बोलने की उनको आदत है। उन्होंने कहा अपने घोषणा पत्र में कि 2025 में हम $5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो जाएंगे, हालांकि कैलिफोर्निया में कुछ साल पहले उन्होंने जाके कहा था कि हम $9 ट्रिलियन की इकोनॉमी ऑलरेडी हैं। तो दो साल पहले तो 9 ट्रिलियन की थे, और घोषणा पत्र में कहते हैं हम 5 ट्रिलियन के होंगे 2025 में। इनका एतबार कौन कर सकता है? अगर सच्चाई को अपनाते तो देश आज इस स्थिति में नहीं होता। ये किसान से माफी मांगते, छोटे उद्योगपतियों से माफी मांगते, एमएसएमई से सेक्टर से माफी मांगते, महिलाओं से माफी मांगते। 33% जो इन्होंने कहा था रिजर्वेशन करेंगे, आज तक इन्होंने उस बिल को आगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आगे नहीं किया। उनसे माफी मांगते, शहीदों से माफी मांगते कि चोर चौकन्ना क्यों नहीं था, क्यों हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे गए, चोर चौकीदार क्या कर रहा था, उनसे माफी मांगते। बहुत बहुत धन्यवाद।